हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हैं techwood.com। सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी 3 के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में और कुछ आपको बताऊंगा हिडन फीचर्स इसके अंदर। सो बेसिकली रियलमी 3 में आपको कलर ओएस 6.0 मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड यूजर इंटरफेस है ये और पहले से काफ़ी अच्छा हो गया। सो बेसिकली गाइस, मैंने पहले आपको रियलमी का U1 यूज़ किया है तो उसमें आपको कलर ओएस 5.2 था और उसके हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ। सो गाइस, पहले फीचर की अगर बात करें तो कलर ओएस 6.0 में वॉलपेपर आप डायरेक्ट स्क्रीन से ही चेंज कर सकते हो, 5.2 में ये ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे आपको टैप एंड होल्ड करके वॉलपेपर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। दूसरे फीचर की अगर बात करें तो इसमें आपको वन हैंड यूज़ कर सकते हो आप आराम से। सो इसके लिए आपको स्क्रोल करके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन हैंड मोड। सो यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसके बाद आप आराम से इसको वन हैंडली आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इसको एग्जिट करना है तो डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं आप। तीसरी फीचर अगर बात करें गाइस तो कोलाज बनाने का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। जैसे कि गैलरी में जाओ आप और आप यहाँ पे 4-5 फोटो सेलेक्ट करो, जैसे कि ये मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक कोलाज का ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आपको कोलाज बनाने का मौका मिलता है गैलरी के थ्रू, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मैगजीन का आपको टेम्पलेट भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी सही सा लगता है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो और पोस्टर वोस्टर के लिए भी अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला फीचर गाइस। काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है और फास्ट एंड स्मूथ भी है गाइस। रियलमी 3 में आपको ड्राइविंग मोड भी मिल जाता है, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्मार्ट सर्विस राइडिंग मोड है और ड्राइविंग मोड है। इसमें आपको ब्लूटूथ के जरिए काम होता है और इसमें आपको जब बाइक चलाते हो तब है, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं रोक देता हूँ। सो ये बाइक कार के लिए और ये बाइक के लिए। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो गाइस और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इसको। सो ये मैं रिकमेंड करता हूँ जितने भी कार और बाइक ड्राइवर्स हैं उनके लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टाइम सेविंग है और आपकी लाइफ सेविंग भी हो सकती है। सो इस फीचर को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है गाइस। अगर बात करूँ नेक्स्ट फीचर की तो ये मुझे बहुत कमाल का लगा। बेसिकली इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि आप फोल्डर बना सकते हो एप्लीकेशन का बहुत आसानी तरीके से। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं आपको फॉर्म फोल्डर में करूँगा तो बस ये फोल्डर में आ जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बेसिकली मैं पहले क्या करता था कि एप्लीकेशन को उठा उठा के डालते थे एक दूसरे एप्लीकेशन के अंदर और वो जो मुझे थोड़े से कन्वीनियंट नहीं लगते थे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। और फोल्डर का नाम मैं ऐसे में चेंज कर सकता हूँ गेम्स, दैट्स इट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा मुझे और काफ़ी यूनिक लगा, तो ये मैंने सोचा कि इंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो में। गाइस अगर बात करूँ अपने नेक्स्ट फीचर की तो आप इसको लेआउट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो सेटिंग में जाके। सो सेटिंग में जाके आपको जाना पड़ेगा वॉलपेपर्स में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन लेआउट और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। आप इसको एक रो में 4 एप्लीकेशन या 5 एप्लीकेशन रख सकते हो, इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। और गाइस अगर बात करते हो नेक्स्ट फीचर की तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन वॉलपेपर्स में ड्रॉवर मोड मिल जाता है। जैसे कि आप या तो आप ऐप ड्रॉवर रखो या फिर आपको नॉर्मल रखना है, जैसे कि सारे के सारे कलर ओएस में। सो मैं आपको ऐप ड्रॉवर ही रखता हूँ, ज़्यादा स्मूथ लगता है मेरे को। ये स्टैंडर्ड मोड है कलर ओएस का जो कि मैं नहीं रखता हूँ। सो इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कलर ओएस 6 में। ये नया फीचर आया है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अगर कलर ओएस में आपको एक और फीचर मिल जाता है नाइट शील्ड करके, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंडर आता है ये। इसमें क्या होता है कि बहुत कमाल का फीचर लगा मुझे। बेसिकली आप यहाँ पे आपको रात में पढ़ने के लिए ब्लैक मोड भी ऑन कर सकते हो उसमें और डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट हल्का सा रहेगा और ये नॉर्मल मोड है। और यहाँ पे आपको वार्मर मोड भी कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई के लिए काम आता है ये। और ये भी रात में यूज़ करने के लिए कूलर हल्का सा कम हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट आप जानते हो। तो बेसिकली क्या करता है ये कि ब्लू रेस को कम कर देता है जिसकी वजह से आपके आँखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ब्लैक मोड खास कर, काफ़ी अच्छा लगा। देखो पूरा मोबाइल ही ब्लैक कर देता है ये। सो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा मेरे को। सो नाइट शील्ड काफ़ी अच्छा फीचर है और शायद ये बैटरी भी पूरी की पूरी बचाएगा आपके। और आप नाइट शील्ड को शेड्यूल भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो शेड्यूल मैंने अपने 10 बजे कर रखा है पहले ही से बहुत दिन से और यहाँ पे मैं आपको ब्लैक कर देता हूँ ताकि रात में जोर नहीं पड़ता और पूरे ब्लैक मोड में आ जाता है और बैटरी भी सेव होती है। सो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बाद में देखेंगे। तो नाइट शील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, आँखों को बहुत अच्छे तरीके से बचाएगा आपके। और गाइस कलर ओएस 6 में आपको नॉच ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंडर आता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले। सो बेसिकली आपको कोई भी एप्लीकेशन में अगर नॉच को ऑफ करना है, जैसे कि मैं आपको एसफाल्ट 8 में करता हूँ। सो अगर गेम खेल दो मुझे नॉच को ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको नॉच ऑफ कर सकता हूँ मैं। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर नॉच किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो ये शिफ्ट कर सकता है। सो बेसिकली मैं पबजी जो नॉच ऑफ करके खेलता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो होने का जो कंटेंट कट जाता है वो कटता नहीं है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये और आप पार्टिकुलरली किसी भी एप्लीकेशन को नॉच ऑफ कर सकते हो। सो जैसे कि पबजी का ऑफ है मेरा,
और मोबाइल एजेंसी का भी ऑफ कर देता हूँ। सो गेम खेलते वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। गेम में आपको नॉच ऑफ करने से ऐसे ही रहता है, वैसे बहुत लोगों को नॉच पसंद भी होता है, सो आप नॉच ऑफ भी कर सकते हो। और गाइस साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आपको एक और टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसको कहते हैं रियलमी रियल टाइम टेक्नोलॉजी। सो गाइस गाना सुनते वो काफ़ी अच्छा काम आता है ये। सो बेसिकली मैं आपको एयरफोन प्लग इन करता हूँ इसको, ये एक्टिवेट हो जाएगा। गाइस एक तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपको डांस है, हिप हॉप है, ब्लूज़ है, मेटल है, क्लासिक है, जैज है। गाइस उसके हिसाब से आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो और सुन सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से गाना। सो ये मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ, जब भी एयरफोन यूज़ करता हूँ तो काफ़ी अच्छा ये टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छे टाइप के काम आता है। तो आप भी इसको यूज़ करना, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको यूज़ करनी चाहिए ये। और गाइस अगर बात करता हूँ इसके फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर आप चेकआउट करो इसका, तो फेस अनलॉक इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और फेस अनलॉक के अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप एप्लीकेशन को भी लॉक कर सकते हो अपने फेस अनलॉक के जरिए, जो कि अच्छी चीज़ है। सो गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको, क्लोज आई विल फेल फेस रिकॉग्निशन। सो बेसिकली इसका क्या मतलब कि मैं जब आग बंद रखूंगा तो ये फेस अनलॉक कभी नहीं करेगा। सो गाइस मैंने अभी बंद कर रखा है, जैसे मैं खोलूंगा देखो फौरन फेस अनलॉक हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो इसको भी यूज़ करना आप लोग। और गाइस अगर बात करता हूँ अपने नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे आपको कन्वीनियंट ऐड में आपको नेविगेशन की से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो नेविगेशन की से यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि स्वाइप अप जेस्टर में, जेस्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है बैक ऑन स्वाइप का, स्वाइप अप से बैक जैसे हो जाता है, जैसे कि ये वाला फीचर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और अगर बात करते हैं इसके, और अगर यहाँ पे आपको ऐसे काम करता है जेस्चर, और यहाँ पे आपको वर्चुअल कीज है, जैसे कि ये वाले बटन्स होते हैं और जेस्चर, तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो उसको। सो मुझे वर्चुअल बटन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, दो बटन्स यहाँ पे, जो कि काफ़ी सही स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा आपको क्लीन इंटरफेस दिखता है मुझे, तो मुझे सही लगता है। और यहाँ पे आपको असिस्टिव बॉल टच मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन सा मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। या तो आप इसको ऑप्शन की तरह यूज़ कर लो, या फिर आप अपने ऑपरेशन की तरह, जैसे कि आपको एक टैप में बैक करोगे, डबल टैप करने से आपको मल्टीटास्क विंडो खुल जाता है, और आपको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो होम पे चले जाएगा, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अगर यहीं से आप नेविगेशन की इसको हाइड भी कर सकते हो, जो कि पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले यूज़ करने का मौका देता है। मैं इसको ऑफ रखता हूँ, मुझे पूरा स्क्रीन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको बार बार नहीं कर सकता हूँ। और गाइस कन्वीनियंट ऐड में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको जेस्चर एंड मोशन वाला, इसके अंदर आपको स्मार्ट कॉल वाला ऑप्शन है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे आपको तीन ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो स्मार्ट कॉल बना देते हैं बेसिकली। तो जब भी कॉल आता है तो आप डायरेक्ट कान के पास लेके चले जाओगे, तो आपको यहाँ पे कॉल आंसर हो जाएगा। और गाइस आपको स्पीकर से रिसीवर मोड में स्विच करने के लिए वाला भी ऑप्शन है, और आपको यहाँ पे फ्लिप कर दोगे, कॉल आता है फ्लिप कर दोगे तो म्यूट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मैं इसको बेसिकली यूज़ करता हूँ। और गाइस यहाँ पे आपको बहुत फेमस 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाता है, तो बेसिकली आप ऐसे नीचे करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन यूज़ करता हूँ, मज़ा आता है बार बार। आपको यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और गाइस यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन है रेस टू टर्न ऑन स्क्रीन। सो बेसिकली आपको मोबाइल जब ऐसे बंद पड़ा रहता है, सब उठाते हो उसको ऐसे करोगे, अपने आप खुलेगा, फेस अनलॉक काम करेगा और मोबाइल ऑन हो जाएगा। सो बेसिकली आपको इसका यूज़ नहीं होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, कन्वीनियंट है, काफ़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं कन्वीनियंट बना देती है आपके मोबाइल यूज़र एक्सपीरियंस को। सो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और गाइस बैटरी के ऑप्शन में आपको बैटरी सेवर मिल जाता है, सो स्मार्ट सेवर मैं यूज़ करता हूँ इसको, इससे आपको परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेव हो जाती है, जिसके आपको 32% बैटरी और आपको 9 hours 29 minutes चल सकती है ये नॉर्मल यूजर्स पे, जो कि सच में ट्रू चीज़ है, आपको सेव भी पावर कर सकता हूँ। सो ये ऑप्टिमाइज कर देता है थोड़ा बहुत, जो कि अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए और इसको हमेशा ऑन रखा करो गाइस। सो गाइस मैंने बहुत सारे आपको फीचर बता दिए हैं, इसी बात पे अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल से अभी के अभी, और बढ़ते हैं वीडियो के आगे। सो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लोन ऐप्स का। सो बेसिकली यहाँ पे आपको 5-6 जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसको आप क्लोन कर सकते हो, दोबारा दूसरा अकाउंट बना सकते हो, जैसे व्हाट्सएप का क्लोन कर सकते हो, मैं उसको क्लोन करने वाला हूँ बेसिकली, मैं दूसरा नंबर यूज़ करने के लिए। और गाइस मैं चाहता हूँ कि रियलमी इसमें और भी ऑप्शन ऐड करे, जैसे कि पबजी का और क्लैश ऑफ क्लैंस का, ये सब का भी आपको ऑप्शन ऐड करे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे क्लोन ऐप्स इसमें है जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, बेसिकली लोग व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो काम आएगा काफ़ी अच्छा। बिकॉज यहाँ पे आपको गेम स्पेस है, गेम स्पेस गाइस बहुत अच्छा काम करता है मेरे ख्याल से। गेम स्पेस यहाँ पे आपको जो कलर ओएस 6 का गेम स्पेस है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और आपके
परफॉर्मेंस को स्मूथ कर देता है, बैलेंस आपको मोड पे काम करता है, आपको बैटरी लाइफ भी सेव करता है थोड़ी बहुत, और ब्राइटनेस लॉक करता है जिससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रहती है, और बाकी सारे इसमें जो ऑप्शन है नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करता है, ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि कलर ओएस 6 जो है बेसिकली सारे के सारे रियलमी मोबाइल में आ जाए। अगर जहाँ पे आपको ऐप स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, सो बेसिकली आप इसको 3 फिंगर ऊपर करोगे तो ऐप स्क्रीन खुल जाएगा और आप यहाँ से किसी भी चीज़ को खोल सकते हो और 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और आपको एंड्रॉयड 8 का फीचर है जो कि काफ़ी पुराना भी हो चुका है अभी, लेकिन सारे मोबाइल में आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है। और गाइस यहाँ पे आपको रियलमी में 3-4 तरीके से आप इस ऐप स्प्लिट को खोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको टैप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो इस एप्लीकेशन के साथ। और गाइस यहाँ पे आपको लास्ट में सिस्टम ऐप्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि कॉलिंग में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन है, और आपको कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर भी लिमिट कर सकते हो आप स्टोरेज को कि 1000 कॉल रिकॉर्ड करेगा, 2000 रिकॉर्ड करेगा, 3000 रिकॉर्ड करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और गाइस यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कॉल आंसर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे इसको अगर आप ऑन करते हो तो ब्लूटूथ जब भी आप यूज़ करोगे ब्लूटूथ एयरफोन या हेडफोन, तो ऑटोमेटिकली ये कॉल आपको रिसीव कर लेगा, जो कि अच्छी चीज़ होती है। सो बेसिकली जब भी हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो ये चीज़ प्रॉब्लम रहती है कि कॉल को उठाने वगैरह प्रॉब्लम आती है, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते, सो ये चीज़ अच्छी कि ऑटोमेटिकली कॉल को ये आंसर कर लेगा। और सिस्टम ऐप्स में आपको कैमरा भी फीचर मिल जाता है, कैमरा का जितना भी आपको सारा का सारा फीचर है आप इसको यहाँ से हैंडल कर सकते हो, AI सीन रिकॉग्नाइजेशन, वाटरमार्क, ऑटो HDR, और बेसिकली गाइस यहाँ पर कैमरा के अंदर भी ये वाला सेम फीचर मिल जाता है, सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और गाइस जो लास्ट फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, सो आपको सिस्टम ऐप्स के अंदर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जितना भी आप सेटिंग यहाँ से इंप्रूव कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो रेजोल्यूशन को हाई पे रख सकते हो और रिकॉर्ड स्क्रीन टैप्स और फ्रंट कैमरा को, ये सब पे काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। और बेसिकली आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पे है, सो इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा काम कर लेता है ये भी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइस आई थिंक कि मैंने आपको रियलमी 3 का बहुत सारा आपको फीचर बता दिया है, और इतना ही कुछ था इस वीडियो के लिए। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल से, और अगर आपको कुछ भी जानना है रियलमी 3 के बारे में इंस्टाग्राम पर DM कर लो, मेरा यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा @ShakibNiazi। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दो, बाय।